प्रकाश कमल ऐसे थोड़ा सा इधर आ गए हां इस तरफ मैं आपके यहां जाऊंगा जैसे थोड़ा सा उधर पीछे जाऊं आपका जूरी का क्या हुआ तो ये हमारा जो है पांचवा साल है मून वाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का और कोविड के बाद हम ये इवेंट कर रहे हैं और दो साल जो कोविड का सिचुएशन में था हमने इवेंट बंद नहीं किया था. हिमांशु जी और मीडिया सारे हमें सपोर्ट किया और हमने ऑनलाइन किया था एंड उसी तरह प्रमोशन हुआ जिस तरह आज हम वापस से लाइव कर रहे हैं. सो अब बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इस साल भी बहुत सारी फिल्म आई हैं, इंटरनेशनल नेशनल से आई हुई हैं और कुछ और भी साथ में अच्छा हो रहा है. इस बार जो है हमने एक म्यूज़िक लॉन्च भी हुआ है जिसमें कोयल जी ने गाना गाया है और अनूप जी ने गाना गाया है और अनूप जी ने म्यूज़िक दिया है उसका और मैं उसका वीडियो डायरेक्टर हूँ, मैंने डायरेक्शन किया और ये टी सीरीज़ से जो है ये गाना रिलीज़ हो रहा है. आज हम उस गाने का जो है प्रीमियर करने वाले हैं, आज वीडियो उसका दिखाने वाले हैं गोल्ड सिनेमा इस थिएटर में. जी कोयल जी, आप बताओ किस तरह का गाना है? ये एक गज़ल है बेहिजाब टाइटल और इसकी जो म्यूज़िक है वो अभी जैसे देवाशीष जी ने बताया अनूप जी ने म्यूज़िक किया है, मैंने और अनूप जी ने गाया है, देवाशीष जी ने ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया है. ये वीडियो जब अभी थोड़ी देर में दिखाया जाएगा, स्क्रीनिंग होगी तब आप सबको पता चलेगा कि कितना सुंदर इनका डायरेक्शन है. सो वी ऑल एन्जॉयड. ये बेहिजाब टी सीरीज़ रिलीज़ कर रहा है और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी देवाशीष सरगम जी को क्योंकि फिल्म फेस्टिवल मून वाइट फिल्म फेस्टिवल के साथ मैं 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे हर साल बहुत अच्छा लगता है. मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी जो कंपनी है कोयलिया क्रिएशंस ऑलवेज सपोर्ट करता है मून वाइट फिल्म्स को और हमने मिलके बहुत काम किया है, आगे भी बहुत काम करेंगे. और हमने अभी अभी 6 गाने की शूट देवाशीष जी के साथ ऑलरेडी हमने कर लिया है जो एक एक करके रिलीज़ हो रहा है. तो बेहिजाब से शुरू हुआ, आगे भी बहुत सारे रिलीजेज अभी बाकी हैं. तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए. मीडिया को मैं हमेशा थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा योगदान होता है कोई भी काम आगे लेके जाने के लिए. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू मून वाइट फिल्म्स एंड देवाशीष सरगम. और मैं एक और भी बात कहना चाहूँगा कि इस बार मॉम जो है बिहाइंड द सीन रहती थी. माँ के आशीर्वाद के बिना, पिताजी के आशीर्वाद के बिना बहुत चीज़ें मुश्किल होती है. बट मेरी मॉम वो MWF को फाउंडर हैं बट वो सामने कभी नहीं आती थी. इस बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरी मॉम जो है ये फिल्म फेस्टिवल की को फाउंडर हैं. तो आप लोग सब इनके लिए क्लैप करें बिकॉज शी इज़ को फाउंडर. तो मैं इस बार मॉम को बोल रहा हूँ कि आप अपना ब्लेसिंग सिर्फ पीछे से नहीं, आप आके मीडिया में भी आके दो बिकॉज वो बहुत ज़रूरत है. सो आज इनके ब्लेसिंग से देखिए, आज उन्होंने जब बोला कि मैं आऊँगी तो आज इतना बड़ा गाना जो है हमें करने को मौका मिला. और भूषण जी को जो टी सीरीज़ के ओनर हैं, दिव्या जी को और टी सीरीज़ के सारे जो टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने कम समय में जो है ये एल्बम को जो है गाने को रिलीज किया है. थैंक यू सो मच भूषण कुमार जी, दिव्या कुमार जी, टी सीरीज को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ और मैं भी आंटी जी को थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि बेहिजाब के पूरे शूट में आंटी जी का जो योगदान रहा ये मैं कभी भूल नहीं सकती. ऑलवेज शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड थैंक यू अंकल, यू बोथ आर जस्ट अमेजिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप क्या कहना चाहेंगे पांचवें साल में ये सिचुएशन? हम तो पहली बात ये है कि हम जूरी की तरह कुछ ना कुछ फैसला दे रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसको सामने ला रहे हैं. और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि ये जो शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, बनाई जा रही हैं, ये इसके पीछे जो है वो कारण, वो बहुत बड़ा कारण है. हम लोग बहुत बड़े थॉट को लेकर चलते हैं. थॉट ये है कि ये जो अभी जो फिल्में बन रही हैं, बन के लोग हमें भेज रहे हैं, देश से भेज रहे हैं, विदेश से भेज रहे हैं, इसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं. आप फिल्में जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बस कमाने वाला मामला नहीं है, ये आगे बढ़ाने वाला मामला है. लोग इतनी फिल्में बना रहे हैं वो सब अंदर रह जाती है और हम लोग उस प्लेटफॉर्म को देखे आगे बढ़ाना चाहते हैं. ये मेन हमारा मोटिव यही है.
तो ये कितनी फिल्में आई हैं? देखिए सारे देश से आती, हर साल सारे देश से आती है पिक्चरें, और इस बार भी जो है वो काफ़ी देश से आई हैं, विदेश से आई हुई हैं। पिछले साल भी हमने जो है वो एम्बेसडर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, एम्बेसडर ऑफ आर्मेनिया आए हुए थे, एम्बेसडर ऑफ चेक रिपब्लिक आए हुए थे, डच रिपब्लिक से लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़ते हैं। ऑनलाइन में भी जब हमने किया था, ये साल भी कॉन्सुलेट जनरल आए हुए थे, येस, एंड ये साल भी काफ़ी पिक्चर आई है, यूएस आई है, यूके से आई है, दुबई से आई है, ईरान से आई हुई हैं, सो ऑफकोर्स दिस इज़ गोइंग गुड। जी जी, इस बार भी पैनल में जो है वो अनूप जलोटा जी हैं, जसविंदर नरोला जी हैं, और उसके बाद जो है मेरे पिताश्री भी इसमें हैं, और गोफी पेंटल हैं, योगेश लखानी जी हैं, और इस बार जो है वो अरुण गोविल जी जो हैं वो ऐड हुए हैं जूरी में हमारे, एंड ये साल की नई चीज़ें हैं। यस, अभी गेस्ट हमारे आए बीच में, विवेक जी आइए, सुनील जी का कैसे हैं? और वो प्लीज वो दरवाजा प्लीज आप मत खोलने देना किसी को, मेन दरवाजा प्लीज लॉक कर दीजिए, किसी को आने मत दीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, सब आवाज आ रही है उसकी वैसे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अलग हटके फिल्म है, अभी तक मैं देख रहा था, एक एक चीज बहुत एंजॉय कर रहा था, कलाकारों का अभिनय, कहानी में इमोशन, नयापन, म्यूज़िक, टोटली मुझे ऐसा लगता है कि तमाम यानी हर तबके को पसंद आएगी ये फिल्म, चाहे वो बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, फैमिली फिल्म है, और यस ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ बेहिजाब फिल्म जो है बेझिझक देखना चाहिए आपको, एकदम सॉन्ग भी चल रहा है, बिल्कुल सब कुल मिला के जो भी हिट है, सुपर हिट है, जिसको मैं समझ लो जैसे फैमिली फिल्म है, ये फैमिली एल्बम है। आपके मुंह से निकल गया कि पिक्चर तो हो सकता है ये पिक्चर ही पिक्चर बन जाए, यस। एक जमाने में आशिकी एल्बम ही बना था, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो फिल्म बनी तो सुपर हिट, और इतिहास 90s का इतिहास उसने रचा था, तो मैं समझता हूँ कि 2022 का ये एल्बम जो है हो सकता है कि 2000 के जितने जी का दशक या सदी जो है उसमें सबसे हिट रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो देवाशीष सरगम जी को बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं 3-4 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे इनके, मैं जब भी देखता हूँ इधर उधर मीडिया में तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा, क्योंकि हमेशा ऐसा काम करते हैं जो कला को सपोर्ट करने वाला हो, कला को आगे बढ़ाने वाला हो। अभी तक कमर्शियली मुझे पता नहीं कितनी सक्सेस मिली है, नहीं मिली है, लेकिन मिलेगी, लेकिन ये जितना भी ये जितनी फिल्मों को चांस देते हैं, और बहुत ही बेहतरीन फिल्मों को चांस देते हैं, तो मैं इसके लिए देवाशीष जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये पूरा जो मून वाइट फिल्म्स का जो ये इनका हर साल जो फेस्टिवल होता है, दिनों दिन और तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जो इस बार एक खासियत यह है कि इसमें हम लोगों का भी एक गाना है, कोयल जी ने और अनूप जलोटा जी ने गाया है उसको, और मैंने उसका म्यूज़िक डिज़ाइन किया है। तो ये शायद पहली बार है कि जब कोई गाना या कोई वीडियो, मतलब सॉन्ग वीडियो इसमें शामिल किया है इन्होंने, तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें इतने अच्छे प्लेटफॉर्म का हाथ है, तो ये हम सब का क्रिएशन बहुत आगे तक जाएगा, घर घर पहुँचेगा, लोग इसे पसंद करेंगे। टाइटल है बेहिजाब, बेहिजाब इसका टाइटल है, लेकिन मैं पूरी लाइन आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूँ जिससे कि आप कम से कम वीडियो पूरा देखें, ठीक है ना? तो आप देखेंगे उसे, मज़ा आएगा। और इस गाने की म्यूज़िक, क्योंकि मैंने डिज़ाइन करी है, तो मैं आपको बताऊँ इसकी खासियत यह है कि इसमें हमने जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया है, जो टेक्नो म्यूज़िक या जिसको आप डिजिटल म्यूज़िक कहते हैं उसका इस्तेमाल कम किया है। लाइव वायलिन है, लाइव तबला है, लाइव फ्लूट है, पूरी प्रोग्रामिंग है, और गाया तो इन्होंने और अनूप जी ने बहुत शानदार है ही। तो आप देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं ज़रूर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाना देखे बिना मत जाइएगा, सबको आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दो लाइन मैंने तो बचाई है ना, आप कह रहे हो गुनगुना दें। हाँ, इन्होंने बचाया है, इन्होंने एक सस्पेंस क्रिएट करके रखा है, आई थिंक वो मुझे अभी गुनगुना के सस्पेंस को तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, गाइए गाइए, गला मेरा बहुत खराब है, बट फिर भी। बेहिजाब आपके
आने की जरूरत क्या थी, यूं मेरे होश उड़ाने की जरूरत क्या थी, बेहिजाब आपके आने की जरूरत क्या थी। थैंक यू सो मच। आगे आप सब सुनिए। और मुझे एक और चीज़ मेंशन करना चाहिए, इस गाने को, इस गज़ल को जिन्होंने लिखा है सरशार साहब, उनकी बेटी हमारे साथ यहाँ पे हैं कुशा। तो सरशार साहब 2004 में उनका इंतकाल हो चुका है, उसके बाद एक बुक पब्लिश होती है और उसके बाद वो बुक अनूप जी और मेरे पास आके पहुँचता है और उसका रिज़ल्ट आज यहाँ पे है, बेहिजाब रिलीज़ हो रहा है। तो यही बेहिजाब के पीछे की कहानी है। और एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी देवाशीष जी के लिए फिर से, कि बेहिजाब के स्क्रीनिंग आप सब देख के जाइए, क्योंकि तभी इनका काम सबको समझ में आएगा। इतना इतना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और जो उनको चाहिए होता है उनको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होता है और उनको बस वही चाहिए होता है। तो मेरे लिए भी वो बहुत, क्योंकि ये मेरे ऊपर पिक्चराइज किया हुआ है तो मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ा। मुझे पता नहीं, ड्रेस के लिए हम लोग काफ़ी प्लानिंग कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी काफ़ी मेहनत किया है। और हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गाना है, इसको बहुत बहुत अलग तरीके से सोच के और बहुत अलग तरीके से सोच के हमने कोशिश किया है, क्योंकि गज़ल जो है आजकल बहुत कम बनते हैं और इस फीलिंग से जो इन्होंने गाया है और अनूप जी ने गाया है तो ये एक नयापन आएगा और मुझे लगता है कि गज़ल बहुत ही आगे जाएगा। एंड आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, मीडिया का आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग इसे सपोर्ट करें और इस टाइप के गाने, क्योंकि आजकल सिर्फ ढिंचैक ढिंचैक जो करता है उसके बाद ये जो गाना एक आया है बहुत ही सूदिंग गाना है। कहीं ना कहीं लोगों को एक सुकून चाहिए होता है, लोग सुकून ढूंढते हैं तो वो सुकून यहीं पे मिलता है। तो अभी अब तो हो गया एल्बम के बारे में, जो नया एल्बम बना इसके बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुना, बहुत अच्छा लगा और बहुत बड़ी शक्ति के साथ, ताकत के साथ एक खुशबू है इसमें, आप सुने तो आप पता चलेगा। आगे बढ़िए और ये हम बात कर रहे हैं अभी मून वाइट फिल्म के बारे में, जहाँ कॉम्पिटिशन है हम लोग के विचार पे, ये पाँचवा साल है, दो साल तो तमाशा में गया, लॉकडाउन में गया, अब ये जो ये साल है रियली यहाँ से शुरुआत होती है, अब नई शुरुआत है। तो इसमें हम मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और हिमांशु जी को तो खास तौर से, वो पता नहीं किधर दिखते रहे है ना, और साथ साथ में उनको धन्यवाद देते हुए ये बोल रहे हैं कि मीडिया इसमें जिस तरह हम लोग को सपोर्ट कर रही है, ये अब मीडिया का सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, लाख घर में बोल दे वाला, तो आप लोग ही वो हीरो हैं एक्चुअली, आप लोग वही हीरो हैं जो हमें सामने लाते हैं। ये इस फेस्टिवल के हीरो हैं, फेस्टिवल के हीरो, फेस्टिवल के हीरो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, गोयल जी बहुत अच्छी लग रही हैं वीडियो में, एज अ सिंगर एज अ मॉडल क्या कहना चाहेंगे आप? पहला ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ये गाना कैसे बना, क्या हुआ, ये मतलब हमें भी नहीं पता चला, अचानक से इस गाने को कोयल जी से बात हुई कि हम ये गाना करना चाहते हैं एंड मैंने बोला कि ये गाना अगर इतना, जब इन्होंने गाना मुझे भेजा तो मैंने बोला कि ये गाना तो मुझे साथ में आपकी टीम के साथ मिलकर करेंगे और फिर पता नहीं वो अपने आप बनते गए, अपने आप चीज़ें होती गई
और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये सामने आया। हालांकि हमने हर एक चीज़ पे बारीकी पे काम करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि ये गज़ल है और गज़ल का जो एक मूड होता है उसको मैंने कोशिश किया कि ये पूरी तरह से मैं दे सकूं, क्योंकि आजकल इस तरह के गाने, बहुत प्यारे गाने इस तरह से आते नहीं हैं। आजकल बहुत ज़्यादा रॉक गाने या अलग टाइप के गाने आते हैं, तो उसको जस्टिफाइड करना, जबकि आजकल के ऑडियंस जो है वो अलग है, उस समय ये इस गाने को रिलीज़ करना और उसको पिक्चराइज करना और ऑडियंस को ये सेलेक्ट मतलब प्यार दे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारे लिए चैलेंज होता है। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो मैं खुद भी वीडियो देख रहा हूँ, मुझे खुद भी थिएटर में देखने के बाद मुझे बहुत पसंद आ रहा है, और आई थिंक कि गॉड इज़ ग्रेट कि टी सीरीज़ ने इसे रिलीज़ किया है, एंड मुझे लगता है कि मीडिया ने भी काफ़ी ताली बजाया है, तो कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन ज़रूर इस गाने को मिला है। सो थैंक यू सो मच, और सारे लोग जो इसे देख रहे हैं, तो आई एम रियली थैंक यू फॉर दिस। एंड कोयल जी दो शब्द जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग रियली प्राउड, क्योंकि जो मैं डेब्यू जब किया था तो मैंने टी सीरीज से ही मेरी डेब्यू हुई थी एज अ सिंगर, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया तो खत करके गाना आया था खत, और वो आज भी बिलियन हिट्स में है, काफ़ी फैन फॉलोइंग है, अभी भी मुझे फ़ोन्स आते हैं उस गाने के लिए। तो उसके बाद ये मेरा काफ़ी साल के बाद ये मुझे चांस मिला है, तो ऑफकोर्स मैं बहुत खुश हूँ, और अब मैं चाहूँगा कि अब एक ही वीडियो नहीं, अब जितने भी सारी वीडियो हम बनाएं मोस्टली टी सीरीज़ के साथ, जितना अच्छा हमारा संबंध और आगे बढ़े तो और भी गाने आएंगे। जी जी बिल्कुल। कोयल जी आप क्या कहेंगे, अभी गाना तो हमने देख लिया, आपने इतने सारे ड्रेस चेंज किए इसके अंदर, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली आपके लिए एक क्वेश्चन था कि मुझे डायरेक्ट करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा, पहले आप बता दीजिए फिर मैं बता दूँ। नहीं सच मानिए तो हम लोग का जिसको बोलते हैं ना कि एक टीम वर्क होता है, सो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं सोचता था वो कोयल जी भी सेम सोचती थी, ड्रेस के बारे में भी हमने सोचते थे तो वो भी वही बोलती थी कि हाँ देवाशीष हम ऐसा ड्रेस करते हैं। लेकिन एक इसमें फेवरेट मेरा ड्रेस है जो मैं उनको हमेशा बोलता था कि चांदनी चाहिए मुझे, इसके अंदर चांदनी दिख रही है, तो आपको ये वाइट ड्रेस पहनना है, आप कहीं से भी लाइए, बोले कि देवाशीष मैं वाइट ड्रेस नहीं पहनती हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि क्या करना है। एंड वो लास्ट में वो उन्होंने वाइट ड्रेस लाया, और मुझे लगता है कि आई थिंक कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसमें ही लग रही है, तो मेरी चांदनी जो है वो आप बन चुकी उस गाने में। जी बहुत अच्छा म्यूजिक। कोयल जी आप कुछ कह रहे थे, आप बताएंगे? बेहिजाब जो टी सीरीज भूषण कुमार जी के लेवल पे, म्यूजिक लेवल पे आज फर्स्ट स्क्रीनिंग हुआ देवाशीष जी के इस फिल्म फेस्टिवल में, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ देवाशीष जी को और सारे मीडिया को, आप सबने इसको पसंद किया है। और इस गाने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अनूप जी ने जब इसका धुन बनाया, घर में ऐसे हारमोनियम में बैठ के बना रहे थे, और मुझे एक छोटा सा वीडियो भेजा उन्होंने मुखड़ा अंतरा का। उन दिनों मेरे काफ़ी अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जिस पे मैं काम कर रही थी, पता नहीं इस धुन ने ऐसे मेरे दिमाग में कुछ असर किया, सारे काम मेरे इधर उधर हो गए, और सबसे पहले हमने बेहिजाब पे के ऊपर काम करना शुरू किया। इसकी म्यूजिक डिज़ाइन विवेक जी ने इतने अच्छे से किया है, आप सबने सुनाई है, ये थोड़ा सा फिल्मी गज़ल का इसमें फ्लेवर है ताकि सारे जेनरेशंस को पसंद आए, और कहीं ना कहीं जाके आज के दिन में लोग सुकून ढूंढते हैं तो म्यूजिक में वो सुकून है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये शायद लोगों को पसंद आए। और देवाशीष जी के डायरेक्शन के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये जो टोटल शूट आपने देखा ये मेरे घर पे है, घर और घर के प्रेमिसेस नीचे पूरे एंटायर चीज़ वो हमने सबसे पहले वो किया, लेकिन उसको बारीकी से जो देखना, एक एक सीन को सोचना कहाँ पे क्या अच्छा होगा, कहाँ पे कौन सी साड़ी, कौन से कलर के लुक चाहिए, ये सारी चीज़ें देवाशीष जी को पता होता है, वो चाहे आधी रात को भी हो तो हम लोग बात कर लेते थे। और मैं एक चीज़ मैं बचपन से फॉलो करती हूँ, मैं एक अच्छी स्टूडेंट बनने की कोशिश करती हूँ हमेशा, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे वो एक्टिंग, तो बहुत मतलब मैं कोशिश कर लेती हूँ। तो ये है आपके सामने बेहिजाब, आप पसंद करें तो मेरे लिए बहुत आप ब्लेसिंग्स दें। मैंने कोशिश किया, मैंने बहुत मेहनत किया, अनूप जी ने बहुत अच्छी धुन बनाई, और टोटलिटी में ये बेहिजाब आज आपके सामने है, तो थैंक यू सो मच विवेक जी। दीपक जी सारी बातें तो इन लोगों ने बता दी, ठीक है।
मैं आपको चार पांच ऐसी बातें बताता हूँ छोटी छोटी सी जो बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो के लिए। सबसे पहले अनूप भाई साहब का, हमारे परम आदरणीय अनूप जलोटा जी का जो कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्पोजिशन सुंदर होती है तो बाकी चीज़ें भी अपने आप ही थोड़ी थोड़ी सुंदर होती जाती हैं। पहली चीज़ तो ये उनकी सुमधुर आवाज़ और उनका कॉम्पोजिशन, दूसरी उसमें कोयल जी की आवाज़ और अभिनय, जैसी कोयल जी का जैसा नाम है वैसे ही इनकी आवाज़ भी है, तो आप सबने भी देखा भी। और इस सबको आगे लाने के लिए हमारी टी सीरीज कंपनी, और इसमें जो पूरा योगदान देवाशीष जी का है कि इन्होंने इतनी सुंदरता से एक पूरी पैकेजिंग को प्रस्तुत किया आप सबके सामने, इतना अच्छा वीडियो लाया, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि उस थॉट से जुड़ना, उसके लिरिक्स से, उसके अल्फाज से जुड़ना, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं उनके हिसाब से पिक्चराइजेशन करना, ये थॉट प्रोसेस इसमें जब लगता है तब चीज़ ऐसी बनती है, नहीं तो आप कोई भी शॉट कोई भी कहीं का कैसे भी आप लगा दीजिए देखने में ठीक ही लग जाएगा। तो ये इसके पीछे देवाशीष जी की भी बहुत बड़ी मेहनत है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें दो प्रकाश का साथ है, एक तो हमारे वेद प्रकाश मलिक सरसार जी जिनकी ये लिरिक्स है, उनकी बेटी हमारे साथ आज मौजूद है, उन्हें हमने कुछ साल पहले खो दिया, लेकिन ये उनकी रचना हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, अमर रहेगी। और दूसरा उसका जो म्यूजिक डिजाइनिंग करी है वो मैंने करी है, मैं हूँ विवेक प्रकाश। तो दो प्रकाश है, अब दो प्रकाश लग गए इसके साथ में तो इसका प्रकाश पूरे गाने का कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, लोग आगे फैलाएंगे इसको। तो एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो कहते हैं ना अच्छी मूरत है तो उसको सजाने में भी आनंद आता है, तो एक जो कॉम्पोजिशन होती है गायकी होती है उसको जब हम लोग देखते हैं सुनते हैं, मैंने जगजीत अंकल के साथ भी बहुत काम किया, बहुत सारे इंडस्ट्री में हर आदमी के साथ काम किया, लेकिन ये जो एक गाना था पहली बार में ऐसे चिपक गया अपने साथ में कि हम बस उसमें ही डूबे रहे कई दिन तक। और उसके बाद में हमने उसका म्यूजिक डिज़ाइन किया और मतलब रिकॉर्डिंग भी करी, तो उसमें ये ध्यान रखा कि इसको जो फ्लेवर है इसका अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में किया जाए, क्योंकि फ्लूट है इसमें, वायलिन है, तबला है, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं आजकल लोग, ज़रा डिजिटल म्यूजिक की तरफ या टेक्नो म्यूजिक की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसका एक अलग फ्लेवर है, लेकिन जो लिरिक्स के साथ कॉम्पोजिशन के साथ जो चीज़ जेल करे, हम लोगों का काम क्या था इसमें उसको सुंदरता से सजाने का काम, तो वो मूर्त इतनी सुंदर थी उसको सजाने में और आनंद आया, और जो चीज़ आप सबके सामने प्रस्तुत हुई वो आप सबने देखा ही उसको पसंद किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गाना बहुत आगे तक जाए और आप सबका इसको सहयोग मिले, आप सबको सबका प्यार मिले इसको। और एक ये बात है कि जो टी सीरीज है वो जनरली गजलों का साथ उनका मैंने कम देखा है अटैचमेंट उनका, लेकिन अब ये अटैचमेंट और बढ़ेगा, अब ये इस गाने के बाद में और बढ़ेगा, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू सो मच। बस लास्ट सवाल सर, नक्षत्र और ग्रह क्या आप कहते हैं इस गाने के लिए, ये आप बता दें। देखिए बाकी सारी चीज़ें तो आपको विस्तार से सुन ली है जी, सबने अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से रख दिया, और ये म्यूजिक वाले लोग पूरे तरीके से हैं। मैं तो एक नक्षत्र ग्रह सितारे ऊपर नीचे देश विदेश इससे जुड़ा हुआ आदमी हूँ जी, लेकिन साथ में अब परिवार जुड़ गया तो फिर हम भी जुड़ गए। कहानी ऐसी है कि इस गाने के बारे में मैंने जब सुना तो पहले ही कह दिया कि ये हिट नहीं सुपर हिट हो जाएगा और नया रास्ता एक देगा, ये गजल में एक नया रास्ता देगा, नई पहचान बनाए, गजल तो बहुत आते जाते रहते हैं लेकिन अब एक नई शुरुआत होगी, बहुत अच्छा ये मुझे लगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इस गाने की एक और विशेषता है और वो ये है कि जब हम इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करने जा रहे थे तो अनूप जी तो फेमस है कि वो बहुत जल्दी गा देते हैं, लेकिन इस गाने की वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए हमने 2-3 घंटे का वक्त रखा था अपने पास में स्टूडियो में, कोयल जी ने सब नुकसान करा दिया और ये पूरा गाना इन्होंने एक टेक में एक बार में गा दिया। तो इसके लिए ये मैं इन्हें बधाई देता हूँ कोयल जी को कि इन्होंने वैसे एक बार में, क्योंकि इतना अच्छा इन्होंने उसको आत्मसात किया हुआ था, रियाज किया हुआ था, प्रैक्टिस करी हुई थी, इतना उसके साथ में अटैच थी, इतना इन्वॉल्वमेंट था इनका, तो हम लोग बैठे अरे एक एक बार में सारी लाइन ओके क्या बात है, उसके बाद हम सुने, मैंने कहा सुनने की जरूरत नहीं, सब हो गया, सब बढ़िया हो गया, और वो एक टेक आपके सामने पूरा गाना बन करके आज सामने प्रेजेंट हुआ। बहुत बहुत बधाई की कोयल जी को। वाकई गजलों की दुनिया में थोड़ा सा वैक्यूम आ गया था, अब ये वैक्यूम क्लीनर आ गए हैं, अब गाना जो है, और गजल की शुरुआत शुभारंभ दोबारा से
हो रही भजन सम्राट की आवाज से करेक्ट तो मुझे लगता है कि भक्ति के साथ शुरुआत हुई गजल और वेद प्रकाश जी और तमाम सारे ही टैलेंटेड लोग हैं गुणी लोग इनको इनके इनके लिए बात करने के लिए भी गुण चाहिए हमारे पास तो मैं तो ज्ञानी हूँ इस मामले में हाँ ये है कि गाना सुनने का शौकीन हूँ गानों का भक्त हूँ तो ये गजल मुझे बहुत अच्छी लगी है मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि जो सर है वो एक लाइन गाएंगे फिर मैं कोशिश करूंगा कॉपी करने की और कोयल जी एक लाइन गाई हो सकता है कि अनूप जी को याद कर कुछ उनके नकल करने की कोशिश करो क्योंकि वो भोजन सम्राट है उनको भोजन सम्राट खाने के लिए आए थे जी प्लीज कोयल जी एक लाइन में गाता हूँ एक लाइन आप गाइए बेहिजाब आपके आने की जरूरत क्या है बेहिजाब आपके आने की जरूरत क्या थी देखिए ये होती है गजल की ताकत शब्दों की ताकत इसमें भी कहा कि बिना कपड़ों के आने की जरूरत क्या थी लेकिन अगर खुले भाषा में कह देंगे तो बवाल हो जाता है लेकिन दबे शब्दों में बेहिजाब आने की जरूरत क्या थी आपकी आने की जरूरत मतलब पर्दा करके आने की जरूरत थी बिना पर्दा भी आ सकते थे बेहिजाब मतलब बेझिझक आ सकते थे तो मैं तो बस अब इनके बाद क्या सोचते एक लाइन हो जाए आपकी एक लाइन बेहिजाब आपके आने की जरूरत क्या थी इतने तूफान उठाने की जरूरत क्या थी फिर से इनसे सीखिए इतने तूफान उठाने की जरूरत क्या थी बेहिजाब आपके आने की जरूरत क्या थी मैं बस अगले लाइन में नहीं गाऊंगा मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही मीठी और बहुत ही अच्छी आवाज है मैं तो समझता हूँ कि इसको सुनने की जरूरत है बस गाने की जरूरत क्या थी हम लोगों को तो गाने की जरूरत नहीं हमको सुनने की जरूरत है जितना ज्यादा इसे सुनेंगे उतना अच्छा होगा टी सीरीज का उतना अच्छा होगा हम लोगों के लिए और मैं समझता हूँ कि ये गजल वाकई डिजर्व करती है कि ये कोने कोने में जाए हर कोने में इसे सुना जाए और ये दोबारा से फिर जैसे मैंने कहा गजलों की दुनिया वापस आए और हमारा वैकुम जो था वो बिल्कुल क्लियर हो जाए ये सब कामना देता हूँ सब जी हजारों साल रहो हमेशा खुशहाल म्यूजिक में करते रहो कमाल धमाल यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल लव यू ऑल